हजरत मौलाना सूफी वालिद अतहरुल कादरी की सरपरस्ती और निगरानी में अमलियात के बहुत सारे राज और रमूज हासिल होने का मौका मयसर आया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हजरत मौलाना सूफी वालिद अतहरुल कादरी की उम्र में भी अपना बरकतें अता फरमाए और मुझ फकीर कादरी को इस अमलियात की तमाम तरह तुईज़ो बरकात से मुस्तफ़ीज़ो मुस्तनीर होते हुए तमामी खुशअक़ीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों को इससे खूब खूब बरकात हासिल होने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, अभी 7 दिन पहले यानी 1 हफ्ता पहले हमारी खानकाह क़ाज़िया दारुश्शिफ़ा गुलबर्गा शरीफ में हाज़िरी देने के लिए हमारे शागिर्द ख़ास मुकर्रर शोला बयान हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, जो कि सूफिया रूहानी एकेडमिक सेंटर के मेंबर हैं और काफ़ी दिनों से बहुत सारे आमाल तरके जलाली के साथ इन्होंने मुकम्मल किया और यहाँ पे जिस दिन आए उस दिन से ही तरके जलाली के साथ मुजाहिदात कर रहे हैं। और यकीन माने हैरानी होगी आपको कि सारी चीज़ें से परहेज करते हुए बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिसको औलक्की कहा जाता यानी कि चूड़ा कहा जाता उस पर इक्तफा करते हुए और पानी पर, इन दो गिजाओं पर इक्तफा करते हुए पूरी 6 दिनों का मुकम्मल अमल तरके जलाली के साथ इन्होंने किया। और आज इन्होंने अमल की तकमील के बाद इनको सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर के जानिब से खानकाह कादरिया गुलबर्गा शरीफ में इजाज़त तफ्तीश की जा रही है। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि हमारे लिए और मौलाना के लिए खास दुआएं करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब